अभी हमने एमीन की विरचन अभिक्रियाएं देखीं किस तरह से एमिनों को बनाया जाता है कई बार परीक्षा में आ, एमी, किसी अभिक्रिया को के बारे में सीधे ना पूछकर इस तरह से पूछा जाता है कि हम अमुक यौगिक से अमुक यौगिक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे उदाहरण के लिए यदि दिया गया है कि हमें बेंजीन से एनिलीन किस तरह से प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हमें जो भिन्न भिन्न रिएक्शन हमने पढ़ी हैं उनका उपयोग करके हमको अपने प्रोडक्ट तक पहुंचना होता है अब जैसे दिया हुआ है कि हमें बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर बेंजीन लेंगे और हम जानते हैं कि ये जो हमने एमीन की प्रिपरेशन रिएक्शन देखी है उसमें हमने जाना है कि एमीन को नाइट्रोबेंजिन के अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यानी कि यदि हमें नाइट्रोबेंजिन मिल जाए तो हम उसका अपचयन करके एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं और हम जानते हैं कि नाइट्रोबेंजिन हमें बेंजिन के नाइट्रीकरण के द्वारा प्राप्त होगा तो इसलिए सबसे पहले हम बेंजिन का नाइट्रीकरण करेंगे और हम जानते हैं नाइट्रीकरण के लिए हमें नाइट्रीफाइन मिक्सचर का उपयोग करना होता है जिसमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड की क्रिया 60 डिग्री से कम तापमान पर बेंजीन के साथ कराते हैं जिससे हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है और जब इस नाइट्रोबेंजिन की क्रिया हम किसी भी सक्रिय धातु तथा अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजिन से एनिलीन प्राप्त हो जाती है और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं इसी तरह से मान लीजिए अभी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोरोएथेन से प्रोपेनामीन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो मूल हाइड्रोकार्बन है क्लोरोएथेन में दो कार्बन वाले मूल हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है जबकि प्रोपेनामीन हमें तीन कार्बन वाले मूल हाइड्रोकार्बन को दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि हमें एथेन में एक कार्बन की बढ़ोतरी करनी होगी और हम जानते हैं कि जो श्रृंखला का जो बढ़ोतरी जब हम करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर नाइट्राइल से क्रिया कराते हैं तो इस तरह से जब हम यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया है क्लोरोएथेन जिसका सूत्र होता है सी एस थ्री सी एस टू सी एल जब इसकी क्रिया हम एल्कोहलिक मीडियम में सोडियम साइनाइड से कराते हैं ये सोडियम नाइट्राइल से कराते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो साइनाइड है वह आसानी से क्लोरीन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है और इस तरह से हमें प्रोपेन नाइट्राइल प्राप्त हो जाता है बड़ी आसानी से हम इस प्रोपेन नाइट्राइल का रिडक्शन करके अपचयन करके आ, किसी अच्छे अपचायक के द्वारा जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके द्वारा अपचयन करके हम प्रोपेनामीन प्राप्त कर लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए उसके आधार पर हमें वहाँ तक किस तरह से परिवर्तन करना होगा उन सभी स्टेप्स को जोड़कर हम अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं तो इसे हम कन्वर्शन रिएक्शन कहते हैं और ज्यादातर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एमिनो के भौतिक एवं रासायनिक गुण सबसे पहले जानेंगे एमिनो के भौतिक गुण भौतिक गुणों में सबसे पहले बात आती है भौतिक अवस्था की तो यहाँ पर हम जाने कि जितने भी छोटे अणु वाले एमीन्स होते हैं वो ज़्यादातर गैसी अवस्था में मिलते हैं और इनमें मछली की तरह गंध पाई जाती है लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इसमें ये जो मछली की तरह जो गंध होती है वो नहीं मिलती है इसके अलावा हम देखें कि तीन से आठ कार्बन परमाणु वाले जो एमीन होते हैं वो हमें द्रवित अवस्था में मिलते हैं जबकि आठ से अधिक कार्बन परमाणु वाले एमीन हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं इसके अलावा यदि हम एमिनों के रंग की बात करें तो सामान्यतः एमीन रंगहीन होते हैं लेकिन ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने की वजह से रंगीन दिखाई देने लगते हैं इसके बाद हम देखें इनकी जल में विलयता तो ज्यादातर Uh, क्योंकि हम जानते हैं एमीन ध्रुवी होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह भिन्न होती है जिससे नाइट्रोजन पर uh, हल्का uh, नेगेटिव चार्ज होता है तथा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और चूंकि ये ध्रुवी होते हैं इसलिए ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और इसीलिए जो uh, निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन जैसे जैसे इनमें कार्बन श्रृंखला बढ़ जाती है यानी कि एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती जाती है और हम जानते हैं जो एल्किल मूलक होते हैं वो जल विरागी प्रवृत्ति के होते हैं और इसीलिए जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इनकी जल में विलयता कम होती जाती है इसके अलावा जो उच्चतर सदस्य होते हैं वह बिल्कुल जल में अविलेय होते हैं लेकिन ये कार्बनिक विलायकों जैसे कि ईथर बेंजीन या फिर एल्कोहल इसमें ये आसानी से घुल जाते हैं इसके बाद हम देखें कि इनमें यदि हम एमिनो की जल में विलयता की एल्कोहल से तुलना करें तो ये अल्कोहल की तुलना में जल में कम विलय होते हैं इसके पीछे भी हम कारण जानते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो एमीन्स की तुलना में ज्यादा ध्रुवी होते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है थ्री पॉइंट फाइव होती है जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री पॉइंट जीरो होती है इसकी वजह से एल्कोहल ज्यादा ध्रुवी होते हैं और इसलिए एल्कोहल जल के अणुओं के साथ ज्यादा मजबूत अंतर अंतरअण हाइड्रोजन बन बंद बना पाते हैं और इस लिए एल्कोहल एमीन की तुलना में ज्यादा विलय होते हैं इसके बाद मान लीजिए दो कंपाउंड दिए गए हैं ब्यूटेन ब्यूटेन एमीन आ, या फिर तथा ऑल। तो दोनों की यदि तुलना करें तो देख के हम बता सकते हैं कि ब्यूटेन वन ऑल जल में ज्यादा विलय होगा क्योंकि यह ज्यादा ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है इसके बाद हम देखें इनके क्वान तो को भी हम यदि देखते हैं तो ये मूल हाइड्रोकार्बनों से इनके क्वनांक अधिक होते हैं लेकिन एल्कोहल की तुलना में इनके क्वनांक कम होते हैं यहाँ पर भी वही बात आती है क्योंकि एल्कोहल अधिक ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं और इसीलिए ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंद आपस में बनाते हैं और इस वजह से इनमें जो अणु हाइड्रोजन बंद होता है वो मजबूत होता है और इसलिए इनके क्वनांक एमिन की तुलना में अधिक होते हैं लेकिन जब हम एमीन्स की प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनों के क्वनाकों की भी तुलना करते हैं तो यहाँ पर भी हमें भिन्नता दिखाई देती है यहाँ पर हम देखें कि जो प्राथमिक एमीन है यदि आप इसकी संरचना देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर r एन एच टू यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन हैं जो कि यहाँ पर इसलिए हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए ये ज़्यादा दो हाइड्रोजन उपलब्ध कराते हैं जबकि यदि हम द्वितीयक एमिन देखें तो द्वितीयक एमिन में क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हुए दो एल्किल समूह हो जाते हैं और यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन बचता है जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन बंद की संख्या में कमी आती है जबकि तृतीयक ऐमीन में एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है और इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बंद नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राथमिक एमिन में जिसमें कि दो दो हाइड्रोजन बंद बन बनाने की प्रवृत्ति है जिसमें कि हाइड्रोजन उपलब्ध है इसलिए इनमें हाइड्रोजन बंद अधिक होने की वजह से इनके क्वथनांक अधिक होते हैं जबकि द्वितीयक एमीन के क्वथनांक उससे कम तथा तृतीयक एमिन के क्वथनांक सबसे कम होते हैं इस तरह से हम इनके भौतिक गुणों की तुलना कर सकते हैं आइए यदि हम यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन्स प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन एवं अल्कोहल जिनके अणु लगभग लगभग समान हो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 73, 72, 74 के आसपास इनके आणविक द्रव्यमान हैं तो समान आणविक द्रव्यमान वाले एमीन हाइड्रोकार्बन तथा अल्कोहल के यदि क्वनांक की तुलना करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुभार 72 है और इसका क्वनांग सबसे कम यानी कि 3 300 केल्विन है जबकि हम देखें कि जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन है जिनके आणविक द्रव्यमान क्रमशः 73, 73 और 73 हैं, है तो इनके क्वनांक यहाँ पर जो नॉर्मल एमीन है प्राथमिक एमीन है इसका क्वनांग 350.8 केल्विन है द्वितीयक एमीन का यहाँ पर 329.3 हंड्रेड नाइन है जबकि तृतीयक एमीन के क्वनाक 310.1 केल्विन है यानी कि प्राथमिक तो जो यहाँ पर एमीन है उसका क्वनांक सबसे ज़्यादा है जबकि तृतीय एमीन का क्वनांक सबसे कम है इसी तरह से हम देखें कि जो अंत में हम यहाँ पर है यहाँ पर ब्यूटेनॉल जिसका आर्विक द्रव्यमान होता है 74 और इसका क्वनांक है 319 हंड्रेड तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो क्वनांक होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एमिनों के क्वनांक हाइड्रोकार्बन समान अणुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे अधिक होते हैं जबकि एल्कोहल के क्वनांग सबसे अधिक होते हैं आइए अब इसके बाद हम देखते हैं एमिनो की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या इनके रासायनिक गुण सबसे पहले हम देखें कि एमिनों के रासायनिक गुण किन बातों पर निर्भर करते हैं यदि हम एमीन की संरचना देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तथा साथ ही साथ यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा होता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर पाया जाता है यहाँ पर हम देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी अंतर होता है जिससे एमीन अणु ध्रुवीय प्रकृति का होता है दूसरी बात क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जिसे ये बड़ी आसानी से डोनेट कर सकता है इसकी वजह से ये दोनों ही वजह से ये ऐमीन जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्योंकि इनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो यह भी इनकी सक्रियता को प्रभावित करती है और इसीलिए हम आगे देखेंगे कि कई बार प्राथमिक द्वितीयक, तृतीयक एमीनो की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं इसके अलावा हम देखें चूँकि एमीन में लोन पेयर उपस्थित होता है नाइट्रोजन के ऊपर इसलिए ये यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है तो ये सारे गुण होने की वजह से एमीन काफी सक्रिय यौगिक होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एमीनो के क्षार के गुण जैसे कि मैंने पहले बताया ये इनमें लोन पेयर उपस्थित होता है और इसीलिए ये क्षार गुण प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर इनके क्षारकीय गुण को इनकी हम खनिज अम्लों से क्रिया के द्वारा समझ सकते हैं जब प्राथमिक एमीन या एरोमेटिक एमीन्स की क्रिया जब हम खनिज अम्लों जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड आदि के द्वारा करवाते हैं तो यहां पर हम देखें कि जो खनिज अम्ल होते हैं अम्ल का काम होता है प्रोटॉन देना तो यहाँ पर जैसे हम प्राथमिक एमीन की क्रिया एच के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो एच है वो उसमें H पर धनावेश होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और इस तरह से जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और इस तरह से जो प्रोटॉन है H प्लस आयन है उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसलिए वह जाकर नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और इस तरह से हमें आर NH3 प्लस आयन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लोराइड आयन सी एल माइनस आयन है वह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं जिसे हम एमीन लवण कहते हैं या यहाँ पर एमीन प्रतिस्थापी लवण इन्हें कहा जाता है इसी तरह से यदि हम प्राथमिक एमीन एनिलिन लेते हैं एरोमेटिक एमिन लेते हैं तो वहाँ पर भी जब हम इसकी क्रिया एच से कराते हैं तो वहाँ पर हमें सी सिक्स एच फाइव एन एच थ्री प्लस सी एल माइनस ये स्पीसीज़ मिलती है साल्ट मिलता है और इसे हम कहते हैं एनिलीनियम आयन तो इस तरह से हम देखें कि एमीन खनिज अम्लों के साथ आसानी से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं जो कि इनकी छारी की प्रकृति को दर्शाता है साथ ही साथ इस प्रकार से जो एमीन लवण बनते हैं जब इन एमीन लवण ये जल में विलय होते हैं और जब इनकी क्रिया किसी छार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो ये अपने मूल एमीन में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर हम ले आर एन एस थ्री प्लस सी एल माइनस ये जो एमीन लवण है जब इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वह सोडियम के साथ निकल सोडियम क्लोराइड बना लेता है जो अतिरिक्त प्रोटॉन अमोनियम एन एच थ्री प्लस के रूप में अतिरिक्त प्रोटॉन होता है वो ओ एच माइनस के साथ जुड़ कर जल बना लेता है और इस तरह से हमें आर एन एच टू यानी कि जो पेरेंट एमीन था वह प्राप्त हो जाती है और इस अभिक्रिया का बहुत बड़ा उपयोग है इस आ, अभिक्रिया का उपयोग हमें एमीन्स को जल में अविलय भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों से पृथक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है जैसे भी हम जानते हैं कि जो एमीन होते हैं मान लीजिए यहाँ पर एमीन तथा अन्य कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जल में अविलय होते हैं इनका मिक्सचर हमें दे दिया गया है तो पहले हम इसकी क्रिया खनिज अम्ल से कराते हैं जिससे कि एमीन अपने एमीन लवण में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये जो एमिन लवण है जल में विलय होंगे इसलिए जो इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा उसमें हमें केवल एमिन के, के लवण प्राप्त होंगे जबकि जो अन्य कार्बनिक कंपाउंड है वो जल में अविलय होने की वजह से पृथक हो जाएंगे इस जो एमिन लवण का जलीय विलियन हमें प्राप्त हुआ है इसकी क्रिया जब हम छार से कराएंगे तो हमें मूल एमिन प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से एमीनों को जल में अवले कार्बनिक अन्य यौगिकों से पृथक करने के लिए इस सभी क्रिया का उपयोग किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं एमिनो की खनिज अम्लों से क्रिया के द्वारा इनकी क्षारी प्रवृत्ति प्रकट होती है साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से ये लुइस छार की तरह व्यवहार करते हैं एमिनो की छारी प्रवृत्ति को हम इनके के बी वैल्यू या फिर पी के बी वैल्यू के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर हम देखें कि जब एमिन का जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर आर एन एच टू प्लस एच टू जल के साथ जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ पर आर एन एच थ्री प्लस आयन तथा ओ एच माइनस आयन बनेंगे और जब इस अभिक्रिया पर हम द्रव्य क्रिया का नाम नियम लगाते हैं तो यहां पर ये हमें प्राप्त होगा के इज इक्वल टू आर एन एच टू प्लस की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन इन टू ओ OH एच माइनस की मोलर कंसेंट्रेशन बाय आर एन एच टू की मोलर कंसंट्रेशन इन टू जल एच टू ओ की मोलर कंसंट्रेशन लेकिन हम जानते हैं कि जो जल की सांद्रता है वह ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती है इसलिए हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं और इस तरह से के एच टू इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा आर एन एच टू आर एन एच थ्री प्लस की कंसंट्रेशन इनटू ओएच माइनस की कंसंट्रेशन बाय आर एन एच टू की कंसंट्रेशन या इसे हम लिख सकते हैं के बी इज इक्वल टू आर एन एच थ्री प्लस की कंसंट्रेशन इनटू ओएच माइनस की कंसंट्रेशन बाय आर एन एच टू की कंसंट्रेशन तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि इस के बी की वैल्यू जो कांस्टेंट के बी है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज्यादा जो मीन होगा वह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा यानी कि उसकी क्षारीय प्रबलता उतनी ही अधिक होगी दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि जो पी के बी का मान होता है पी के बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी के यानी कि केबी पीकेबी की वैल्यू केबी की वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पीकेबी का मान जैसे-जैसे बढ़ेगा आ, एमीन की प्रबलता उतनी कम होगी तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एमीन के लिए केबी का मान अधिक होना या फिर पीकेबी का मान कम होना उसकी छार की प्रबलता को दर्शाता है और इस तरह से हम देखें कि जब हम एमीन की अमोनिया के साथ तुलना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एमिन अमोनिया के ही एल्किल व्युत्पन्न होते हैं तो जब हम अमोनिया से एमिन की की प्रबलता की तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो अमोनिया है उसके पी के बी का जो वैल्यू होता है वह 4.75 होता है जबकि किसी भी अन्य प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक एमीन के लिए पी के बी की वैल्यू का जो मान होता है वह 3 से 4.22 के लगभग होता है इसका मतलब यह हुआ कि सभी एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारी प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके पी के बी वैल्यू का मान अमोनिया के पी के बी वैल्यू के मान से कम होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा एल्किल समूहों के प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है। यदि हम इनकी संरचना देखें तो हम जानेंगे कि अमोनिया अमोनिया जिसमें की एन है और यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जिससे यह क्षारी प्रवृत्ति का होता है लेकिन यदि हम इसे प्राथमिक एमीन देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन में अब दो हाइड्रोजन है जबकि वहां पर एक एल्किल समूह भी उपस्थित होता है और हम जानते हैं कि किसी भी छार की छारकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़े डोनेट कर सकता है या फिर वह कितनी आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो और कोई भी जो क्षारक होगा वो तब आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़े देगा तब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्राथमिक एमीन में जब एक एल्किल समूह आ जाता है और हम जानते हैं कि एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं यानी कि वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को नाइट्रोजन की तरफ धकेल देते हैं जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और वो और अधिक आसानी से प्रांत जोड़े दान कर सकता है यानी कि एक एल्किल समूह आ जाने से अब एमीन की क्षारकता में वृद्धि हो जाती है अब आप समझ ही सकते हैं कि द्वितीय एमीन में क्योंकि दो एल्किल समूह आ गए हैं इसलिए उसकी क्षारकता और अधिक हो जाएगी जबकि तृतीय एमीन में तीन-तीन एल्किल समूह होने की वजह से इनकी क्षारकता और अधिक हो जाएगी तो इस तरह से यदि हम प्लस आई इफेक्ट के प्रभाव को देखें तो प्राथमिक एमीन ए, या अमोनिया की तुलना में तृतीय एमीन सबसे ज़्यादा छारी प्रकृति के होंगे लेकिन जब हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं या प्रायोगिक आंकड़े का निरीक्षण करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम मेथेनामीन को देखें मेथेनामीन जो कि वन डिग्री एमीन है इसके लिए पी के बी का मान थ्री पॉइंट थ्री एट होता है जबकि यदि इसमें एक आ, और आ, मेथिल समूह आ जाए यानी कि एन मेथिल मेथेनामीन यदि हम इसको देखें जो कि टू डिग्री एमीन है इसके लिए पी केबी वैल्यू हो जाती है थ्री पॉइंट टू सेवन जबकि यदि हम एन एन डाई मेथिल मेथेनामीन को लें, जो कि थ्री डिग्री एमीन है इसके लिए पी की वैल्यू होती है फोर पॉइंट टू टू तो आंकड़ों के से स्पष्ट है कि यहां पर जो सबसे कम पी के बी वैल्यू है वह टू डिग्री एमीन की है इसका मतलब यह हुआ कि टू डिग्री एमीन सबसे ज्यादा छारी होंगे यहां पर जबकि वन डिग्री एमीन सबसे उसके बाद कम छारी होगा तथा थ्री डिग्री एमीन उसका उसकी क्षारकता सबसे कम होगी लेकिन ये हम देख रहे हैं जब हम यहाँ पर नाइट्रो जो एमीन के जो हाइड्रोजन है उनको मिथाइल समूह के द्वारा सब्सटीट्यूट करते हैं यदि हम यहाँ पर इथाइल समूह के द्वारा सब्सटीट्यूट कर दें यानी कि यदि हम एथेनामीन को लें तो एथिनामीन के लिए पीके भी वैल्यू होती है थ्री पॉइंट टू नाइन और साथ ही साथ यहां पर एन एथाइल एथेनामीन यदि हम लें तो उसकी पी केबी वैल्यू होती है थ्री पॉइंट जीरो तथा यदि हम एन एन डाई एथाइल एथेनामिन लें तो वहां पर पीकेबी वैल्यू होती है थ्री पॉइंट टू फाइव तो यहां पर भी अब स्पष्ट है कि यहां पर टू डिग्री आ, एमीन की पी केबी वैल्यू सबसे कम है यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्षारी प्रवृत्ति को होगा और उसके बाद यहाँ पर थ्री डिग्री एमिन एथिल एमिन के केस में हम देख रहे हैं कि थ्री डिग्री एमीन टू डिग्री के बाद उससे कम क्षारी होगा जबकि प्राथमिक एमिन की क्षारकता सबसे कम होगी पर इसी तरह से हम एरोमेटिक एमिन के क्षारकता की भी तुलना कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर बेंजीन एमिन लेते हैं अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो बेंजिन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह कार्य करती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कम हो जाता है जिससे इसकी क्षारकता कम हो जाती है और इसीलिए बेंजिन एमिन के लिए पी के बी वैल्यू का मान बहुत ज़्यादा नाइन पॉइंट थ्री एट होता है दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर आ, फेनिल मैथेनामीन लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एमिन से जो बेंजिन रिंग तो है लेकिन उससे एक कार्बन की दूरी पर है तो इस स्थिति में आ, यहाँ पर जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो प्रतिस्थापित नहीं हो पाते हैं और इसलिए इसकी क्षारकता अधिक होती है और इसके पी के भी वैल्यू का मान फोर होता है दूसरी ओर यदि हम एन मेथिल एनिलीन लें तो पुनः इसके पी वैल्यू का मान काफी ज्यादा 9.30 है जबकि एन एन डाई मेथिल एनिलीन लें तो वहां पर भी इसके पी के बी वैल्यू का मान हो जाता है 8.92 क्योंकि यदि हम एन एन डाई मेथिल एनिलीन को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेंजिन रिंग तो है जो कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रही है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दो मिथाइल समूह भी उपस्थित हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जोड़े को नाइट्रोजन की तरफ धकेल रहे हैं तो इसलिए बेंजिन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्वभाव है उसमें कमी आ जाती है और इस वजह से इसकी क्षारकता एन मेथिल एनिलीन की तुलना में थोड़ी सी बढ़ जाती है और इस तरह से इसके पी के भी वैल्यू क्या मान हो जाता है 8.92 तो यहां पर हम देखें कि आ, जब हम प्रेरणी प्रभाव के आधार पर एमीनो की क्षारकता की तुलना करते हैं उसके जो प्रायोगिक मान होते हैं उसमें हमें कई बार विसंगतियां देखने को मिलती हैं इसीलिए यहाँ पर जब हम एमीनो की क्षारकता की बात करते हैं उनकी क्षारित क्षारी प्रबलता की तुलना करते हैं तो हम केवल प्रेरणिक प्रभाव एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव को ही न देखते हुए उसके जलयोजन प्रभाव तथा त्रिविम प्रभाव को भी ध्यान में रखते हैं आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं एमिन की क्षारकता इसकी संरचना पर भी निर्भर करती है एमिन की क्षारकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करेगा तथा प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयन बनेगा उसका स्थायित्व क्या होगा यहाँ पर हम एल्केन एमिन तथा अमोनिया की क्षारकता की तुलना करें यदि हम दोनों की संरचना देखें तो आप जानते हैं कि एमिन में एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और जब यह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तब यह NH4+ फोर प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर एल्किल एमिन की बात करें यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हों तथा एक एल्किल समूह जुड़ा हो और जब यह एल्किल एमीन यह प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो यह आर एन एस थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाता है पहली बात तो यह कि जो नाइट्रोजन से जुड़ा एल्किल एमीन है वह नाइट्रोजन की तरफ क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है इसलिए यह नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ों को धकेलता है जिससे इसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की सरलता में या क्षमता में वृद्धि करता है दूसरी ओर जब यह प्रतिस्थापित धनायन अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर वह नाइट्रोजन के ऊपर जो धन आवेश है उसको संतुलित करने का भी काम करता है जिससे कि प्रतिस्थापित जो एल्किल एमीन होते हैं यहाँ पर जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयन होंगे वो ज़्यादा स्थायी होते हैं और इसीलिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे Uh, एमीन में एल्किल समूह की वृद्धि होती जाएगी यानी कि ये प्राथमिक से द्वितीयक या तृतीयक में परिवर्तित होते जाएंगे क्योंकि इनमें एल्किल समूह की वृद्धि होती जाएगी अतः तो इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो सबसे अधिक छारी प्रवृत्ति होगी वह तृतीय एमीन की होगी उसके से कम क्षारी प्रवृत्ति द्वितीयक एमीन की तथा उससे कम क्षारी प्रवृत्ति प्राथमिक एमीन की होगी लेकिन तथा उससे भी कम जो अमोनिया की क्षारी प्रवृत्ति होगी वह सबसे कम होगी लेकिन यहां पर यह जो क्षारकता का क्रम है यह केवल गैसी माध्यम में सही बैठता है लेकिन जैसे कि हमने इसके पहले इनकी क्षारियता के डाटा को देखा तो हमने जाना कि जली विलियन में इनकी जो क्षारिता की जो प्रवृत्ति होती है या जो क्रम होता है उसमें हमें विसंगति देखने को मिलती है तो इस तरह से हम देखें कि जब ये जली विलयन में अमीन होते हैं तो उस समय केवल हम एल्किल समूहों के प्लस आई इफेक्ट के द्वारा ही इनकी क्षारकता को का निर्धारण नहीं करते बल्कि यहाँ पर हम इस अमीनों के जल योजन तथा साथ ही साथ इनके हाइड्रोजन बंद बनाने की प्रवृत्ति को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हैं और इनकी क्षारकता की तुलना करते हैं यदि हम देखें कि विलायक योजन जब इनको जल में खोला जाता है तो चूंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं अतः यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाएंगे और स्थायित्व तो प्राप्त करेंगे तो इस तरह से हम देखें कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं जो प्राथमिक एमीन से बने हुए जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयन होंगे वो जिसमें कि तीन तीन हाइड्रोजन परमाणु होंगे ये तीन तीन हाइड्रोजन बंद बनाएंगे और इसीलिए ज़्यादा स्थायित्व तो प्राप्त करेंगे जबकि यदि द्वितीय कैमीन होंगे तो वहाँ पर दो ही हाइड्रोजन होंगे और इसी तरह से जो तृतीय कैमीन होंगे उसमें केवल एक ही हाइड्रोजन होगा जो कि हाइड्रोजन बंद बन बनाने के लिए उपलब्ध होगा और इसीलिए यहाँ पर तृतीयक एमीन का स्थायित्व तो सबसे कम होगा और यही कारण है कि जलीय विलयन में यदि हम लें तो प्राथमिक एमीन, एमीन की क्षारकता ज़्यादा होगी द्वितीयक एमीन की उससे कम तथा तृतीयक एमीन की उससे कम होगी जबकि अमोनिया की क्षारकता सबसे कम होगी दूसरी ओर यदि हम देखें कि आ, इनका जलयोजन इनकी संरचना यानी कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल समूह के आकार पर भी निर्भर करता है यानी कि यदि एल्किल समूह से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह छोटा है जैसे कि मिथाइल समूह तो यहाँ पर इनकी क्षारकता का क्रम अलग होगा और यदि नाइट्रोजन से जुड़ा समूह बड़ा है जैसे कि एथाइल समूह या प्रोपाइल समूह है तो यहाँ पर इनकी क्षारकता का क्रम बदल जाता है इसके पीछे कारण यह है कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है उस ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं और इसीलिए हाइड्रोजन बंध बनाकर बनाने की प्रवृत्ति में बाधा डालते हैं उसमें कमी लाते हैं जिससे क्षार का ये जो एमीन्स का ए, की क्षारकता है या एमिन का स्थायित्व होता है वह कम हो जाता है तो इस तरह से यदि हम देखें यदि हम एथिल सब्टिट्यूटेड एमिन की बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर टू डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होंगे और उसके बाद थ्री डिग्री एमिन की क्षारकता होगी उसके बाद होंगे वन डिग्री एमिन की क्षारकता होगी जबकि सबसे कम क्षारीय होंगे अमोनिया दूसरी ओर यदि हम मिथाइल सबसे टूटेड एमीन की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा छारी होंगे टू डिग्री एमीन उससे कम छारी होगा वन डिग्री एमीन तथा उसके बाद क्षारिकता के क्रम में होगा थ्री डिग्री एमीन और सबसे कम छारी होंगे अमोनिया तो इस तरह से हम देखें कि अमोनिया और एल्किल एमीन या एलिफेटिक जो एमीन्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो क्षारयता का क्रम है वह एल्किल समूहों के आकार उनके हाइड्रोजन बंद बन बन बनाने की की क्षमता तथा साथ ही साथ एल्किल समूहों के प्लस आई इफेक्ट इन तीनों पर निर्भर करता है इसके बाद हम अमोनिया की क्षारकता की तुलना एरोमेटिक एमिन तथा एरोमेटिक एवं एलिफेटिक एमीन इनकी क्षारकता की तुलना करेंगे